प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है आपका। देखिए, वर्तमान में अपन बात करेंगे देश के प्रधानमंत्रियों के संदर्भ में, जो टॉपिक है उसके संदर्भ में बात करें। देखिए, जवाहरलाल नेहरू है, इनका कार्यकाल 1947 से 64 तक रहा, सर्वाधिक कार्यकाल 16 वर्ष 9 माह 13 दिन का कार्यकाल रहा। पद पर मरने वाले पहले थे विदेश नीति के जनक, पंचवर्षीय योजना के जनक, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक, एशियाई खेल, लाल किले पर 17 बार तिरंगा फहराया और प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो लोग जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मित्रों, दूसरे देखिए, प्रथम कार्य गुलजारी लाल नंदा है, प्रथम कार्यवाहक है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, एक तो जवाहरलाल नेहरू जी के मरने के बाद में, एक लाल बहादुर शास्त्री जी के मरने के बाद में। इसके बाद में तीसरे देखिए, लाल बहादुर शास्त्री प्रथम विदेश में आधिकारिक, प्रथम अपने प्रधानमंत्री है जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हुई। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ इनके समय 1965 में, और ताशकंद समझौता जो हुआ, ताशकंद समझौता ये अयूब खां और आपके जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनके दोनों के मध्य हुआ। ताशकंद है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी, यहाँ पर ताशकंद समझौता है ये है हुआ। तो नेक्स्ट, इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए, इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी के संदर्भ में अपन बात करेंगे, प्रथम महिला है इंदिरा गांधी और दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल रहा इनका, इंदिरा गांधी का दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल इंदिरा गांधी का रहा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी के समय लगे, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन है ये इंदिरा गांधी के समय लगे थे, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए, 16 बार तिरंगा फहराए इन्होंने लाल किले पर, 18 मई 1974 को पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, इनके समय नाम रखा गया इसका इस्माइल बुद्धा, भारत पाक युद्ध के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ इनके कार्यकाल में 1971 में और शिमला समझौता 1972 में, और पद पर रहते हुए इनकी हत्या हुई और हत्या करने वाले थे बेअंत सिंह, हत्या करने वाला बेअंत सिंह है। इसके बाद में मोरारजी देसाई हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी, सर्वाधिक इनकी आयु के यह प्रधानमंत्री बने और पद पर रहते हुए त्याग पत्र देने वाले प्रथम है ये। इसके बाद में अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए, चौधरी चरण सिंह की बात करें किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं मित्रों, और लोकसभा का सामना नहीं किया इन्होंने, अटल बिहारी के बाद में दूसरा सबसे कम कार्यकाल रहा इनका। राजीव गांधी जी की बात करें, सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने और इनके समय मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, इनको कंप्यूटर व साक्षरता मिशन का जनक कहते हैं, आधुनिक प्रधानमंत्री आधुनिक पंचायती राज का जनक कहते हैं इनको। इसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले प्रथम है ये। चंद्रशेखर देखें, 15 अगस्त को इनको तिरंगा फहराने का अवसर नहीं मिला और इनका उपनाम युवा तुर्क के नाम से जाने जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव है, इनको भारत में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी है, इनका पहला कार्यकाल जो था वो सबसे कम समय का रहा, मात्र 13 दिन का, और यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। दूसरे नरेंद्र जी मोदी हैं। इसके बाद में एचडी देवगौड़ा बने, कोई विशेष कार्यकाल नहीं, काम नहीं हुआ इनके समय में, और इंद्र कुमार गुजराल, और इसके बाद मनमोहन सिंह जी हैं, तो पहले सिख हैं ये मनमोहन सिंह जी, और नरेंद्र मोदी हैं जो वर्तमान में अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मित्रों, ये अपने प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्रियों के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको दोहराई है और इन पे चर्चा करी है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो आपका जो आर्मी है, आपका नेवी है, एयरफोर्स है, एसएससी है, बैंकिंग है, इसके लिए सफिशिएंट आपका मैटर है, अगर इतना आप याद कर लेते हो तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी पूरी संभावना है मित्रों, और एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। और इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में यूएनओ के संदर्भ में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में यूएनओ के संदर्भ में बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।